चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में फिर से आपका अन अकेडमी पर स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अन अकेडमी पर सीए फाउंडेशन क्लास को। और बेटा, मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया है आपके साथ क्लास करने के लिए। और हमारा जो ये चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, अगर बेटे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जितनी भी क्लास करता हूं सबका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बेटा, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन, टी आर जैन, और मैं आ गया हूँ अन अकेडमी पर आपके लिए क्लास करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी से पहले मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर से ऑलरेडी मैं सीए और सीएस की क्लासेस को बेटा टीच कर रहा हूं। अब मैं अन अकेडमी पर आ गया हूं आपको टीच करने के लिए। और बेटा, मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन की क्लासेस को लेकर। और अब मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बेटा, मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी का हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत सारे टॉपिक, सीए फाउंडेशन, अकाउंट्स, लॉ, इन सबको लेकर के मेरे टीम के लोग आपके साथ डील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बता दूं बेटा, अन अकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप डिटेल क्लास करने के लिए आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस आपके नहीं है। यहाँ भी अन अकेडमी के लर्निंग ऐप में आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अकाउंटेंसी के लिए मिलेंगी जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपको अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं बेटे, अन अकेडमी का जो हमारा ये लर्निंग ऐप है इस पर आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लिए हो सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको एसपी तिलक, जो आपको कोड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अगर आप इसको यूज करते हैं तो बेटे आपको मिलता है इसमें 10% का डिस्काउंट। तो चलिए फिर, अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले अन अकेडमी का, भूलिएगा मेरा कोड है एसपी तिलक, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट। तो चलिए फिर, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बेटे, एवरेज ड्यू डेट के ऊपर हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर किए हैं, उन 2 लेक्चर में मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल से बताने की कोशिश की। मैंने आपको ये भी बताया है बेटे, सीए फाउंडेशन लेवल पर ये जो टॉपिक है ये आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है बेटे, 5 नंबर में ये टॉपिक आपका आता है। और मैंने इसका बेस आपको बताया था, मैंने ये बताया कि भाई अगर आप मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में डीलिंग है, मिस्टर ए से मिस्टर बी ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट पर, लेकिन अगर वो चाहें कि ये सारी पेमेंट का सेटलमेंट एक ही डेट पर हो जिसे हमने नाम दिया एवरेज ड्यू डेट का, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, ये बेटा मैं आपको इसमें सिखाना चाह रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकली बताऊँ, एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट होती है जिसमें एक ही डेट में सारी पेमेंट का हम सेटलमेंट भी करेंगे और उसके बावजूद किसी भी पार्टी, रिसीवर को या गीवर को, कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है। तो उसे हम लोग नाम देंगे, यहाँ उस कंसेप्ट को हम लोग नाम देने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट। तो बेटे, एवरेज ड्यू डेट के इस कंसेप्ट में किस तरह से एवरेज ड्यू डेट निकलेगी, इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको बताए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, हर एक पॉइंट मैंने इसमें कवर किया। स्टेप बताने के बाद बेटे मैंने आपको ड्यू डेट निकालने को लेकर के
केस बताए, चार केस मैंने आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चार केस मैंने आपको बताए। केस नंबर वन जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एवरेज ड्यू डेट का, जिसमें एक पार्टी इन्वॉल्व है। नंबर टू कैलकुलेशन हम लोग करेंगे एवरेज ड्यू डेट का जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर द अमाउंट रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, अगर अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट में रीपेड करेंगे तो केस नंबर थर्ड मैंने आपको बताया, और केस नंबर फोर मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आज की जो क्लास है उसमें बेटे मैं आप लोगों के साथ केस नंबर फोर की बात करने वाला हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर फोर को। केस नंबर फोर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इससे पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक करवा चुका हूं, होमवर्क में मैंने आपको दे दिया था। आज मैं आप लोगों के साथ केस नंबर 4 डिस्कस करूंगा। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कैसे होगी ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन होगी ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर एवरेज ड्यू डेट वाले कंसेप्ट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं तो बेटे मैं आपके लिए स्क्रीन पर एक बार चैप्टर ले लेता हूं एवरेज ड्यू डेट। ये लीजिए, मैंने आपके लिए स्क्रीन पर चैप्टर ले लिया एवरेज ड्यू डेट, और एवरेज ड्यू डेट के इस कंसेप्ट में मैं आप लोगों के साथ उस टॉपिक पर नीचे ले आता हूं मटेरियल के अकॉर्डिंग। ये मटेरियल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा मटेरियल आप वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं बेटे। ये देखिएगा, मैंने आपको ये करवा दिए थे लास्ट 19 क्वेश्चन तक। अब मैं आज की क्लास में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला क्वेश्चन यहां से मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। यहां लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, अ पार्टनर हैज विड्रॉ द फॉलोइंग सम ड्यूरिंग द हाफ ईयर जून 30। बेटा इनका ईयर जून 30 को कंप्लीट होगा और जून 30 के लिए उसने इन डेट्स में ड्राइंग किए हैं। सबसे पहले उसने ड्राइंग किए 15 जनवरी में, फिर उसने ड्राइंग किया 10 फरवरी में, फिर इसने ड्राइंग किया 12 मार्च में, फिर इसमें ड्राइंग किया अप्रैल 5 में, फिर ड्राइंग किया मई 20 में, और फिर ड्राइंग किया जून 18 में, और ये अमाउंट इसने ड्राइंग किए हैं ये हमें लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द 10% पर एनम, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट, आपको एवरेज ड्यू डेट इसका फाइंड आउट करना है, और कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप टू जून 30 के लिए आपको करना है कैलकुलेट। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं बेटा। सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे एवरेज ड्यू डेट का। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूं। इसमें इन्होंने जो ड्राइंग किए तो इसको मैं डेट ऑफ ड्राइंग लिख देता हूं, ये लीजिए, और डेट ऑफ ड्राइंग ही डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। डेट ऑफ ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने किया 15 जनवरी में,
सेकंड ड्रॉइंग उसने किया, मैं एक लाइन छोड़ के लिख देता हूं, सेकंड ड्रॉइंग उसने किया फेब 10 में, यहां जनवरी 15 लिखते हैं ऐसे, जनवरी 15, उसके बाद फेब 10 में उसने दूसरा ड्रॉइंग किया। मैं इसमें अमाउंट भी लिख लेता हूं, ये लो, ये मैं इसमें अमाउंट भी लिख लेता हूं, जनवरी 15 में उसने ड्रॉइंग किया 500, फेब 10 में उसने ड्रॉइंग किया 400, उसके बाद नंबर थर्ड उसने ड्रॉइंग किया मार्च 12 में, मार्च 12 में उसने ड्रॉइंग किया 700, अप्रैल 5 में उसने ड्रॉइंग किया 800, मई 20 में उसने ड्रॉइंग किया 1000, और जून 18 में उसने ड्रॉइंग किया 900। ये लिखा हुआ है जी, डेट ऑफ ड्रॉइंग और अमाउंट ये हमें दिए हुए हैं। इसमें मैं एक डेट बेस बना लेता हूं, इसमें मैं बेस डेट जो बना लेता हूं वो 15 जनवरी को बना लेता हूं, 15 जैन को मैं बेस डेट बना लेता हूं, 15 जैन को बेस डेट बनाने के बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, बेस डेट से ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालने हो, ये देखिए पहले वाले का तो बेस डेट 15 जनवरी है तो जीरो ही आ गया, सेकंड वाले का फेब 10 है तो जनवरी के 16 दिन और फरवरी के 10, 26 आ गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा मार्च 12 तो जनवरी के 16 दिन, फरवरी के 28 और मार्च के 12, ये आ गए 56 डेज। ईयर का नाम नहीं दिया कौन सा ईयर है, तो मैं इसको नॉन लीप ईयर ही मानकर चलूंगा। अप्रैल 5 को अगर लेकर चलूं तो जनवरी के 16 दिन, फरवरी के 28, मार्च के 31 और अप्रैल के 5, ये दिन काउंट हो जाएंगे। अगर मैं देखूं 16 प्लस 28, 31 और 5, ये आ गए बेटा 80 डेज। इसी तरह से अगर मई 20 की बात करूं तो मई 20 में जनवरी के 16, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 20, 16 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20, अगर मैं देखूंगा तो 125 डेज आ गए। और जून 18 से अगर मैं बात करूं तो जनवरी के 16, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के इसमें आ गए 30, मई के आ गए 31 और जून के आ गए 18। अगर बेटे हम लोग देखें तो 16 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 18, ये वैल्यू आ गई 154 डेज। आप सब बच्चे मेरे को इतना बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? तो मैंने आपको बता दिया डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, मैंने आपको बता दिया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मैंने आपको निकाल कर दे दिया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेज, मैंने नंबर ऑफ डेज आपको निकाल कर दे दिए। और नंबर ऑफ डेज निकालने के बाद अगर मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं प्रोडक्ट, अगर मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं प्रोडक्ट, तो लीजिए प्रोडक्ट निकालेंगे 500 इंटू 0 तो ये 0 ही आ जाएगा, 400 इंटू 26, 400 इंटू 26 तो ये वैल्यू आ जाएगी 10,400, 700 इंटू 56 ये वैल्यू आ जाएगी 39,200,
800 इंटू 80 ये वैल्यू आ जाएगी 64,000, 1,000 इंटू 125 ये वैल्यू आ जाएगी 1,25,000, 900 इंटू 154 ये वैल्यू आ जाएगी 138,600। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं 10,400, 39,200, 64,000, 1,25,000, 138,600, तो ये वैल्यू आ जाएगी 177,200। ये वैल्यू हमारे पास आ गई और टोटल ऑफ द अमाउंट अगर आप निकालेंगे 500, 400, 700, 800, 1000 और 900, तो टोटल ऑफ द अमाउंट हमारे पास आ गया 4300। तो बेटे मैंने टोटल ऑफ द अमाउंट आपके लिए निकाल लिया और टोटल ऑफ द अमाउंट निकालने के बाद मैंने आपका टोटल ऑफ द प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें, मैं आपको पहले इसका एवरेज ड्यू डेट ये निकाल कर दूंगा। बेस डेट लेना होता है प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, बेस डेट में टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट ये लेना होता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में टोटल ऑफ अमाउंट लेना हो डिवाइड बाय करना होता है। बेस डेट मैंने लिया था 15 जनवरी को प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 377,200, टोटल ऑफ द अमाउंट आ गया 4300। बेटे जब आप इसको लेकर चलेंगे 377,200 डिवाइड बाय 4300 तो ये वैल्यू आ गई 87.72 डेज, या राउंड ऑफ कर देंगे तो 88 डेज ये आ गया। अब मैं अगर आपको इसके अंदर 88 डेज कंप्लीट करके दूं तो बेटे 88 डेज कंप्लीट कैसे होंगे सुनो। जनवरी के इसमें आ गए बचे हुए 16 दिन, बच गए 72। फैब के इसमें आ गए 28, 72 माइनस 28 ये वैल्यू आ गई 44। मार्च के आ गए 31 तो ये वैल्यू आ गई 13, और अप्रैल के 13 दिन कर देंगे तो निल, तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल। पहली बात ये आपकी 13 अप्रैल ये आपकी ड्यू डेट आ गई, 13 अप्रैल आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। लेकिन 13 अप्रैल से आप मेरी बात को सुनिएगा, 13 अप्रैल से और हमारी क्लोजिंग हो रही है 30 जून को, हमारे अकाउंट्स की क्लोजिंग हो रही है 30 जून को, एवरेज ड्यू डेट आ गई सब ड्रॉइंग्स की 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल से 30 जून तक अगर आप निकालोगे तो अप्रैल के 17 दिन, मई के 31 और जून के 30, अगर आप डेज कैलकुलेट करें 17 प्लस 31 प्लस 30, 78 डेज आपके निकल कर आ गए जो कि एवरेज ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक के हैं। तो इसके बिहाफ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आया वो आया 4300, जिसकी एवरेज ड्यू डेट मैंने निकाल दी 13 अप्रैल। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप इन डिफरेंट डिफरेंट डेट पर निकाल लो या इन सब के बिहाफ पर 4300 रुपये 13 अप्रैल को निकाले होते, मतलब इस बात का एक ही है। तो 4300 पर 13 अप्रैल से 30 जून तक 78 डेज और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाना है 10%,
आप अगर इनकी कैलकुलेशन कर दें, 4300 इनटू 78 डेज इनटू 10%, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 92 रुपी। ये ब्याज के बन गए 92 रुपी, रुपी 92 इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए बनेगा। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? अगर आप सब बच्चों को इतना क्लियर है, एक बार आप अंडरस्टैंडिंग बना लें, फिर मैं उससे आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। फटाफट से आप चेक करिए, फटाफट से आप चेक करिए, फटाफट से आप चेक करिए। मैं आपको इतना काम करने के बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपके कंसेप्ट और भी बहुत अच्छे स्ट्रोंग हो जाने वाले हैं, ये बात आप मान के चलिएगा। मैं आपको इतना बढ़िया से कंसेप्ट करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात आप मानकर चलो। ये देखो आप बेटा, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से बेटे। मेरे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसको एक बार मैं स्क्रीन पर भी ले रहा हूं। ये देखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसको मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं। इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है, ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं एक फर्म में, हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म ऑन 31st मार्च 2015। 31 मार्च 2015 के लिए उसके ड्रॉइंग्स के अमाउंट इस तरह से हैं। ये कहता है ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, पहले ये इधर ए के ड्रॉइंग्स हैं, ये इधर बी के ड्रॉइंग्स हैं। ए ने 1 जुलाई को ड्रॉइंग किया 500, सितंबर 30 को ड्रॉइंग किया 800, नवंबर 1 को ड्रॉइंग किया 1000, 28 फेब को ड्रॉइंग किया 400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, चार्ज ऑन ओल्ड ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय यूजिंग द ऑर्डिनरी सिस्टम और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, एज्यूम 1 ईयर, 1 साल 365 दिन के अकॉर्डिंग होगा, ये हमें लेकर चलना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में 365 दिन होंगे, ये हमें लेकर चलना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले ऑर्डिनरी तरीके से निकालते हैं बेटा। डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है, अमाउंट गिवन है, आपको याद है पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कैलकुलेट करते थे सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से, वही मेथड है ये। ये देखो आप, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, एज ड्रॉइंग्स की बात करता हूं। मैं पहले लिखता हूं ए ने कौन सी डेट को कितने ड्रॉइंग किए, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ए ने जुलाई 1 को ड्रॉइंग किया है 500, क्वेश्चन देख के मैं लिख रहा हूं। ए ने सितंबर 30 को ड्रॉइंग किया है 800, ए ने 1 नवंबर को ड्रॉइंग किया है 1000, और ए ने 28 फेब में ड्रॉइंग किया है 400। अब बेटे इसके ऊपर अगर मैं पीरियड कैलकुलेट करूं, तो आप मेरी बात को सुनो बेटे, मेरी क्लोजिंग 31 मार्च को हो रही है, हमारी जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च को होगी। तो आप एक बात बताओ, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, सितंबर 30 के बाद 6 महीने बच गए, नवंबर 1 के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स बच गए, और 28 फेब के बाद 1 मंथ बच गया। या तो आप सिंपल मेथड लगा लो, या तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा लो। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड लगाता हूं तो बेटा 500 इंटू 9 4500, 800 इंटू 6 4800,
1000 इंटू 5 5000, 400 इंटू 1 400, इस सबको ऐड करेंगे 4500, 4800, 5000 और 400। अगर ये वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 4700, ये वैल्यू आ जाएगी 4700। 4700 आने के बाद पता क्या होगा, अगर मैं अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालूं 14700, इंटरेस्ट का रेट मेरे को दिया गया 6%, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है तो मैं 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा दूंगा। 14700 इंटू 6% और 1 मंथ का लगाएंगे 73.5 रुपी, ये इंटरेस्ट मेरा बनेगा। ये ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अगर मैं इसी तरह से बी का निकालता हूं, बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा बी ने फर्स्ट ड्रॉइंग किया 12 जून को, अब इसका डेज में निकालना पड़ेगा। बी ने ड्रॉइंग किया 12 जून में 1000, बी ने 11 अगस्त को ड्रॉइंग किया 500, बी ने 9 फेब में ड्रॉइंग किया 400 और बी ने 7 मार्च में ड्रॉइंग किया 900। अब बेटा पीरियड अगर मैं बताऊं तो इसमें डेज में निकालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर डेज में कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ बेटा, 12 जून से लेकर 31 मार्च, जून में कितने दिन होते हैं, 30। 12 जून के बाद जून के बच गए 18 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, तो मेरे पास 292 डेज का पीरियड आ गया। मैंने 12 जून से लेकर लास्ट 31 मार्च तक के डेज निकाल दिए। अगर कोई बंदा 11 अगस्त को ड्राइंग करता है, अगस्त में 31 दिन है तो 20 दिन तो अगस्त के बच गए, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, तो 232 ये डेज आ गए। अगर थर्ड ड्राइंग 9 फेब को किया तो 9 फेब के बाद फेब में 19 और मार्च में 31, 50 डेज ये आ गए। और 7th मार्च को किया तो 24 ये आ गए। ये सब करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। 1000 इंटू 292, 292000, 500 इंटू 232, 1,16,000, 400 इंटू 50, ये वैल्यू आ गई 20,000, 900 इंटू 24, ये वैल्यू आ गई 21,600, 292 प्लस 1,16,000 प्लस 20 प्लस 21,600, 449,600, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 449,600 इसके ऊपर 6% रेट से और एक दिन का मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। अगर मैं 6% रेट से एक दिन का निकालता हूं, 73.91 रुपी, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या, बोलिए आप सब बच्चों को इतना क्लियर है क्या।
ओके है इतना? बोलो जरा, समझ में आता है क्या बेटा? चलिए, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं बेटा, इन्हीं क्वेश्चन को अगर मैं एवरेज ड्यू डेट वाले टॉपिक से करवाता, ये तो मेरा ऑर्डिनरी मेथड हो गया जो आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को ये ऑर्डिनरी के बाद विद कंसेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट, विद एवरेज ड्यू डेट, अगर यही क्वेश्चन आपको एवरेज ड्यू डेट से सोल्व करना हो तो एवरेज ड्यू डेट से ये सोल्व कैसे करेंगे? पहले मैं ए के ड्रॉइंग्स की बात करता हूं, एज ड्रॉइंग्स। पहले हम लोग ए के ड्रॉइंग्स की बात करते हैं बेटा। ए ने पहला ड्रॉइंग किया जुलाई 1 को, जिसके ऊपर 500 अमाउंट है। दूसरा ड्रॉइंग उसने किया सितंबर 30 को, जिसके ऊपर 800 अमाउंट है। तीसरा ड्रॉइंग उसने किया नवंबर 1 को, जिसके ऊपर 1000 ड्रॉइंग है। और फोर्थ ड्रॉइंग किया उसने 28 फेब को, जिसमें उसमें 400 ड्रॉइंग है। ये अमाउंट आ गए जुलाई 1, सितंबर 30, नवंबर 1 और 28 फेब, और अमाउंट आ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ, अब इसमें डेज भी निकाल सकते हैं, मंथ भी निकाल सकते हैं, मंथ फ्रॉम बेस डेट। बेटे इसमें ना मैं बेस डेट जुलाई 1 को ले लेता हूं, बेस डेट मैं जुलाई 1 को ले लेता हूं। तो जुलाई 1 से अमाउंट 500 है, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। सितंबर 30 है तो क्या करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का ये इसमें बेस डेट से आ जाएगा। नवंबर 1 के तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का आ जाएगा। और 28 फेब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 7 मंथ्स का आ जाएगा। ये बेस डेट से हमने निकाल दिया, बेस डेट से 28 फेब है ना, तो भाई 8 आएगा। अगर फरवरी 1 होता तो 7 होता, फरवरी 28 है तो फरवरी भी पूरा काउंट हो जाएगा, 8 मंथ्स आएंगे। अब अमाउंट मेरे पास आ गया, बेस डेट आ गया, तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट निकाल दूंगा, सेम वही तरीका है, प्रोडक्ट निकाल दूंगा। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो अमाउंट इनटू ये करेंगे तो जीरो, इसको निकालेंगे तो 2400, इसको निकालेंगे तो 4000, और इसको निकालेंगे तो 3200, ये वैल्यू आ जाएगी। और 2400 प्लस 4000 प्लस 3200 वैल्यू आ जाएगी 9600, और अमाउंट कितना है बेटे? 500, 800, 1000 और 400, ये वैल्यू है 2700। अब बेटे अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं तो इसका मतलब ये हो गया एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। एवरेज ड्यू डेट आप बेस डेट लेंगे प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, वही सेम कंसेप्ट लेना है। बेस डेट हमने लिया 15 जुलाई को, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 9600, टोटल ऑफ अमाउंट 2700, ये वैल्यू ले लेंगे। 96 डिवाइड बाय 27, ये वैल्यू आएगी 3.555 मंथ्स, ये हम लोग ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके,
3.555 months, इसको आप डेज में कन्वर्ट करने के लिए 30 days से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे इनटू 30 days कर दो, अप्रोक्सीमेट 106 डेज, 106.66 या 107 डेज, ये आपका आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको चलाऊं 107 डेज कितने दिनों में पूरे होंगे, 15 जुलाई नहीं है, 1 जुलाई है, 15 जुलाई मैंने गलत लिखा हुआ है, 1 जुलाई है बेटे, 1 जुलाई से 107 डेज, जुलाई के कितने दिन लेंगे, 30, 77 बच गए, अगस्त के 31, 46 बच गए, अक्टूबर के 31, 1 जुलाई से है ना, तो जुलाई के बाद हमारे पास अगर मैं चेक करूं जुलाई के 30 डेज बच गए इतने, अगस्त के इतने, सितंबर भी तो है बीच में, सितंबर के हमारे पास 30 डेज अब बच गए 16, अक्टूबर के 16, यहाँ 16 अक्टूबर आएगा, यहाँ इन्होंने राउंड ऑफ करके ज़्यादा कर रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये 16 अक्टूबर ड्यू डेट आएगा। और 16 अक्टूबर से अगर अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई, 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर के बाद आपका अमाउंट कितना है बेटा, ए का अगर आप देखेंगे ए का अमाउंट कितना है, 2700, 16 अक्टूबर से 2700 इंटू आपका इंटरेस्ट का रेट, इस क्वेश्चन में लगाना था कितना परसेंट रेट से, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट है 6% रेट से, 16 अक्टूबर से क्लोजिंग आपकी 31 मार्च तक है, तो मैं डेज काउंट कर रहा हूँ 16 अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के 15, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, अप्रोक्सीमेट 166 दिन का इंटरेस्ट मैं लगा दूंगा। अब 2700 इंटू 6% इंटू 166 डेज अगर आप निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 73.6 रुपी ये कैलकुलेट होकर के आता है, जो कि अगर आप चेक करेंगे ऑर्डिनरी तरीके से, जो कि अगर आप चेक करेंगे ऑर्डिनरी तरीके से आपका 73.5 था, वो पॉइंट्स के डेज के राउंड ऑफ करने की वजह से 10 पैसे का जो डिफरेंस है वो बेटे आपका आ रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट सेम रहेगा, चाहे आप एवरेज ड्यू डेट से निकाल लें और चाहे आप इसको ऑर्डिनरी तरीके से निकाल लें, दोनों के अंदर आपके इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो इसमें सेम आने वाली है। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना सबको क्लियर है क्या? अगर बेटे आप सब बच्चों को इतना क्लियर है तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एवरेज ड्यू डेट के 4 कंसेप्ट बताए थे। ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के लिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने बेटे आपको 4 कंसेप्ट करवाए थे। केस नंबर 1 मैंने आपको करवाया था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर 1 पार्टी इन्वॉल्व, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर 2 पार्टी इन्वॉल्व, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर पेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, और नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमें किस तरह से एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना होता है ये सब बातें बेटे मैंने आप लोगों को बता दी। इस तरह से एक एक करके सारे पॉइंट आप डील कर सकते हैं। बेटा अगर मैं मटेरियल जो आपको दे रहा हूँ, सुनिए, ये मटेरियल जो मैंने दिया इसका क्वेश्चन नंबर 21 अभी मैंने ए के ड्राइंग ऑर्डिनरी तरीके से और एवरेज ड्यू डेट के तरीके से करवा दिए, जैसे ए के निकाले वैसे बी के भी निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप प्रैक्टिस कर लें। बेटा इसके बाद मैंने चैप्टर की समरी आपकी रीडिंग के लिए दी हुई है, और समरी के अलावा जो मैंने ट्रू फॉल्स 2-3 दिए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, जो आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं मैंने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिए हैं और उनके
सजेस्टेड आंसर भी आपको यहाँ दिए हैं बेटा। इसके जस्ट बाद आपको मैंने मटेरियल में सोल्ड स्कैनर दिया हुआ है, मतलब आज तक इस चैप्टर से सीए सीएस या सीएमए के एग्जामिनेशन में जो भी पॉइंट पूछे गए वो सब पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के इन सब के जितने भी प्रैक्टिकल आपके डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा और आपके ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाने हैं। ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करके चलूंगा बेटा, सही है? तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ भी दिए हुए हैं। मैं ये चाहूँगा नेक्स्ट क्लास तक ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके डाउट्स के लिए। थैंक यू सो मच।